क्या सर, इतना सेक्सी कैटरीना कैफ का सपना देख रहा था। अबे तू यहाँ कैटरीना कैफ के सपने देख रहा है, वहाँ तेरी मंगेतर मेरी बैंड बजा रही है। क्या मजाक कर रहे हैं आप, यहाँ पर मेरी कोई मंगेतर नहीं है सर। अबे कैसी बातें कर रहा है तू, अभी कुछ देर पहले अपनी मंगेतर को मेरे घर छोड़ा था ना। सर अगर मेरी मंगेतर होती तो मैं इस फ्लैट में किसी के घर भी छोड़ देता, पर आपके पास नहीं छोड़ता। मैं आपकी हरकत जानता हूँ। कैसी बातें कर रहे, कुछ देर पहले अपनी मंगेतर को मेरे घर तो छोड़ कर गया। कैसी बातें कर रहे हो, मेरी कोई मंगेतर नहीं है। चलो दिखाओ, चलो दिखाओ, आजा। कहाँ है सर? यहाँ देख, इधर तो कोई नहीं दिख रहा। इधर ही कहीं होनी चाहिए, कहाँ चली गई? मेरी कोई मंगेतर है ही नहीं सर। थी तो आपने कुछ ज्यादा ही पी ली होगी सर, नहीं तो वो वाला मैटर होगा सर। कौन सा मैटर? भूत का मैटर। अबे सुन टमाटर, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, चल जाए। आप मेरी एक बात मानिए सर, टमाटर को छोड़ कर ना नींबू अपना लीजिए। मुझे क्या अपनाना है, तू मत बता, चल जाए। चलो मैं टमाटर की बात कर रहा हूँ, ये नींबू समझा रहा है मेरे को। भूत बोलता है भूत, अगर मेरे को भूत मिल जाए ना तो काट के मिर्च मसाला लगा दूंगा उसे। टमाटर इधर आ रे, मैं क्या हूँ तुझे बताती हूँ। मर गया, मर गया। छोड़ता हूँ तेरे सामने, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। आना, छोड़ दे, छोड़ दे। मर गया, माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। टम टम टमाटर, टम टम टमाटर, टम टम टमाटर, टम टम टमाटर, टम टम टमाटर। मत मार मेरे को, मत मार। क्या हुआ? मुझसे प्यार करने वाला था। अरे मुझे कोई बचा ले। अरे ये कैसा अवतार है नंगा पुंगा? क्या नंगा पुंगा बोल रहा तू, टमाटर कहीं का? तेरी मंगेतर ने मुझे मार मार के मेरा टमाटर सूजा दिया यार। सर मैंने कहा था ना मेरी कोई मंगेतर नहीं है, वो भूत होगी। अरे आप बहुत मस्त हैं, इसलिए उसने आपका इस्तेमाल किया होगा। अरे मैं कोई मस्का हूँ जो मेरा इस्तेमाल करेगी? क्या बात कर रहा है तू, सब लोग मस्का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तू ही बता। हर जगह कहाँ इस्तेमाल करते मुझे नहीं पता, लेकिन आपका तो इस्तेमाल किया होगा ना सर। देखेगा, देख कहाँ पे इस्तेमाल किया, कहाँ इस्तेमाल किया है सर। अबे ये ताजमहल है क्या जो देखने के लिए इतना तड़प रहा है बे? सर मेरी बात सुनिए, तांत्रिक को बुलाते हैं। अच्छा? वो तांत्रिक भूत को पकड़कर आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व कर देगा सर। अरे बाप रे बाप, ये बिजली कितनी तेज है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बापरे ये तो सपना था, मुझे लगा हकीकत है। सुन गेट खोल। क्या गुंडागर्दी करते हो? ए, गेट खोल, चल। रात भर दारू पियेंगे और दारू पीकर यहाँ आते हैं। अरे यार ये कैसा वॉचमैन है, तेरे को क्या करने गए? गेट खोल। तो चल। ओके, कोई काम धंधा करते नहीं, कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे। ओ शिट, लाइट चली गई। चलो सीढ़ी से चलते हैं। ए सुन, जल्दी आना बे। चलता हूँ भाई। मैं तो हूँ नशे में, नशे में मैं हूँ। कौन है? कोई नहीं है। कौन रो रहा है? ए, कौन रो रहा है वहाँ? अरे
अरे तू डरा दिया यार। लाइटर भूल गया था, देना। तू भी ना यार, तू भी ना, फालतू में डरता रहता है। क्या देखा? वहाँ पर कोई परछाई नजर आई। हाँ। अच्छा? कोई नहीं है, फालतू में डर रहा है। चल जा अब सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। इतना लेट क्यों हो गया? अरे सच में भूत होते हैं क्या? अरे भूत होते तो इंसान को देख के डर के भाग जाते। सही कहा। यह है वंशी एनक्लेव। इस अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ कौन कौन रहता है आइए एक बार देखते हैं। इनका नाम है चक्री, इनका नाम है लावण्या। पहले पति से जब तंग आकर लावण्या आत्महत्या करने जा रही थी तो चक्री ने इसे सहारा दिया। लावण्या से शादी करके नई वाइफ बनाकर नई लाइफ की शुरुआत की। लावण्या के पहले पति से एक बेटी भी है जो बहुत ही खूबसूरत है। प्रिया ने कहा था उसे लैपटॉप चाहिए, खरीद के दे दो। अभी तक आपको हमारी वजह से, अभी भी आप हमारा तुम्हारा कर रही हो। यू आर ग्रेट चक्री, अगर ये पैसे आप अपने हाथ से प्रिया को दोगे तो वो लैपटॉप खरीद कर बहुत खुश होगी। Sure, as you like. इनका नाम है आलिया, महापतिव्रता है। पति किशोर दास फ्लाईओवर प्रोजेक्ट इंजीनियर है। डैम को देखने के लिए साइट पे जा रहे हैं। ये सब क्या पागलपन है तुम्हारा? पागलपन नहीं है, प्यार है। जल्दी घर आ जाना। हाँ मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। डैम का काम बढ़ा दिया है, नए प्रोजेक्ट की तैयारी करने के लिए 3 दिन तो लगेंगे। तुम बिल्कुल मत घबराना, रोज फोन करता रहूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। फोन नहीं, फेसबुक में आ जाओ, हम दोनों चैटिंग करेंगे। ऐसा लगेगा हम दोनों साथ ही हैं। ठीक है मैं चलता हूँ। बाय स्वीटी। बाय नॉटी। हाँ ओके जी, थैंक यू। शारदा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दो ना प्लीज। अभी नहीं, लक्ष्मी जी से फेसबुक पे चैटिंग कर रही हूँ। सब कुछ टेबल पे रख दिया है, प्लेट में लेकर खा लो। क्या चैटिंग करती है कुछ पता नहीं। क्यों रे, तू क्या कर रहा है? क्या हुआ, अपनी आंखें कल्याण ज्वेलर्स में गिरवी रख के आए हैं क्या? दिख नहीं रहा है? जब देखो फोन में घुसा रहता है, किसी काम का नहीं है तू। थोड़ी पढ़ाई लिखाई क्या कर। मुझे पता है सब कुछ, जाओ जाओ। न माँ को कोई फर्क पड़ता है न बेटे को। किरण सुबह से पढ़ रहे हो बेटा, आकर खाना खा लो। ठीक है मम्मी। अरे यार मुझे तो आजकल रात भर नींद ही नहीं आती है। मुझे भी यार, मैं पड़ गया। मैं तो क्या रे किरण, मिस कॉल? नो मिस कॉल, ओनली आंटी कॉल्स। क्या बात है, तू तो बड़ा लकी है। अरे मुझे भी चांस मिलेगा क्या? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अरे देखना मिस गर्ल्स यार। वाह, सॉफ्टवेयर गर्ल्स हैं, स्मार्ट ड्रेस में सेक्सी लग रही हैं। मस्त है यार। वो हमारी बस में नहीं आने वाली, कोई ग्रुप लीडर या टीम डी से ही पटेगी। ए बाबू मेरी लाइट कट हो गई है, अरे जल्दी आना। अगर देशी दारू के साथ चिकन खाएगा तो ऐसा ही होगा यार। ब्रेकफास्ट में ब्रांडी, लंच में विस्की, डिनर में रम पीऊंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं पीऊंगा। अर्जेंट डॉक्टर परलोक से मिलना होगा। परलोक मतलब फ्लैट नंबर 202। डॉक्टर परलोक जी। डॉक्टर परलोक है क्या? कोई नहीं है अंदर। अरे डॉक्टर परलोक जी, मेरी आवाज क्या हो गया? अरे बाबू क्या है, लाइट कट होने से प्रॉब्लम हो गई है। अरे प्रॉब्लम हो गई है तो कॉमेडियन को क्यों बुलाते हो, हीरो को बुलाओ ना। हाय किट्टू। हाय, फ्रेंड है क्या? हाँ दरअसल मेरा रूममेट है। अच्छा, बैग में दारू है क्या? नहीं नहीं कपड़े। सुरेश जी के घर की लाइट चली गई है, चिल्ला चिल्ला कर हंगामा खड़ा कर दिया। अब मैं आया हूँ ना, देख लूंगा। मुझे पता है किट्टू। Hey,
कैसा है? सुपर। फैमिली पैक आ गया हाँ? बैचलर पैक है। आजा। भाई इस फ्लैट के अंदर सब लोग अच्छे लग रहे हैं। देख मत, एक तरफ मत देख, चारों तरफ देखना चाहिए। ओके ना? ओके। यहाँ पर सावित्री दिखने वाली के अंदर सन्नी लियोनी होती है, हरिहरन के अंदर हनी सिंह होता है, विद्यार्थी के अंदर आशीष विद्यार्थी होता है। ए वेंकी, ऊपर से दिखने वाले इंसान को नहीं, अंदर से दिखने वाले राक्षस को दिखाऊंगा। आजा। तू ये सब कुछ कैसे जानता है? सबके घर के अगर राज जानना है ना, तो पल पल की खबर रखना बहुत ही जरूरी होती है। ये सब चीजें इस किट्टू के पास है, द किट्टू कुक। वो देख। या? हाँ माँ। कॉलेज का टाइम हो गया है, जल्दी से नहा के तैयार हो जा। ठीक है। सुनिए जी, पड़ोस की औरत बुला रही है, मैं अभी जाके आती हूँ। जी, तुम्हें लैपटॉप खरीदना है, ये लो पैसे लो। तुम्हारी माँ को लाइफ दी है, तुम्हें लाइफ पार्टनर दिया है, मुझे प्लेबॉय बना दो ना। आप बदतमीजी कर रहे हैं, मैं माँ को बोल दूंगी। अरे माँ, माँ को मत बताना, माँ को बोलोगी तो मैं डर जाऊंगा। उसके पहले पति की तरह मैं भी कमीना हूँ, अगर उसे पता चला तो वो मर जाएगी। इसलिए तुम अपने मन को मारती हो या अपनी माँ को मारती हो, सोच लो। मैं इंतजार करूंगा, ठीक है? लगता है तुम्हारे पति काम पे गए हैं। मतलब तुम्हारी पत्नी अपने माँ के घर गई है ना? मुझे बंदरों की तरह गुलाटी खाना है। मैं खिलाऊं गुलाटी? मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आ जाओ ना। हाय सेक्सी, रात भर तुम्हारी याद आई, सो नहीं पाया मैं। ये क्या किट्टू, लेकिन तूने ये सब किया कैसे? मैंने ही सबके घर में रिपेयरिंग की है, रिपेयरिंग के नाम पे सबके घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया है। लेकिन ये तो गलत है ना किट्टू? लाइट मैन के नाम पे मुझे 5,000 की नौकरी दे रहे थे, मुझे ये बहुत ही कम लगी। मैं यहाँ पर रेंट के तौर पर रहता हूँ, इसीलिए इनको कोई भी नेट की प्रॉब्लम हो तो मुझे ही बुलाते हैं। मुझे पैसे नहीं देते तो वो गलत नहीं है? भाई तू तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उन लोगों को अगर पता चल गया तो? पता चलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि टेरेस पे यहाँ पर कोई भी नहीं आता, समझा? क्योंकि उन्हें डर है कहीं आत्मा उनके पीछे ना पड़ जाए, समझा? ये कौन है किट्टू? ये अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट है, एक्स मिलिट्री मैन, बहुत ही संस्कारी इंसान है, सब लोग इससे डरते हैं और बहुत ही इज्जत करते हैं। ले ले ले, बच्ची को स्कूल जाना है क्या? देखो बस भी आ गई, अगर तुम स्कूल नहीं गई ना तो राघव अंकल को बोल दूंगा। जाओगी ना? गुड गर्ल। आजकल लड़कियां सनी लियोनी की ड्रेस बहुत फॉलो कर रही है। आप तो ये मुझे परेशान करेगा, क्या हुआ अंकल? मेरा नाम रवि है क्या? हाँ अंकल। ये हाथ में क्या बात रखा, सांप पकड़ने वालों की तरह? लेटेस्ट ट्रेंड है अंकल। गधों की तरह दिख रहा है, ये दाढ़ी क्या है? फ्रेंच स्टाइल है अंकल। भारत की जमीन पर पैदा होकर ये फ्रेंच कट वगैरह क्या है? जो भारत में हो रहा है वो करना चाहिए। सन्यासी हो जाए क्या अंकल? सत्यानाशी की तरह बात मत कर, रोज यही नाटक चल रहा है तेरा। डेली 3 times दबा कर खा रहा हूँ अंकल। और ये क्या लेकर जा रहा है तू? वाटर पैक्स अंकल। कितना भर के रखा है तूने अपने आप को, गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है। चल जा मेरी नजरों से दूर हो जा। सुधरेगा नहीं, हमेशा परेशान करता रहता है। ए, अच्छे से साफ कर। ओके। कौन है ये लड़कियां, कहां पे काम करती हैं?
उनका कोई सॉफ्टवेयर जॉब है सर। शाम को 6 बजे आती हैं, नाइट शिफ्ट करती हैं और सुबह चली जाती हैं। लड़कियां होने के बावजूद इतनी मेहनत कर रही हैं। सर। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बच्चियों। हिंदुस्तान में रहकर इतनी अच्छी हिंदी भाषा को भूलकर अंग्रेजी में बात कर रही हो बेटा। ये गुड मॉर्निंग क्या है बेटा? प्यार के साथ, संस्कार के साथ नमस्कार बोलना चाहिए था ना। नमस्कार अंकल। कोई बात नहीं, जाओ। ठीक है। हाँ बेटी, हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ए, दूसरी गाड़ी भी देख लेना। हाँ सर। हाँ आता हूँ बेटा। अरे बाप रे, माता दुर्गा आपने मुझे बचा लिया। हाय मेरी दिल की धड़कन। ये क्या पागलपन है यार? जो इंसान प्यार में पड़ता है वो तो पागल ही हो जाता है ना। मतलब तू और रुक्मिणी, यू मीन लव? यस। डाउट है? आई लव हर। अरे तू कहाँ और वो कहाँ यार? हाइट का मैं स्टूल लगाकर काम चला लूंगा, और रंग की बात है तो गोरा होने की क्रीम लगा लूंगा, समझा? शादी मतलब बिजनेस नहीं, रिलेशनशिप। बिजनेस मतलब दो जानों के बीच में ट्रांजैक्शन। दो लोग आपस में जब आर्ग्यू करते हैं तो वो होता है कॉन्वर्सेशन। बेटा, दो लोगों के बीच में जब प्यार होता है ना, उसे कहते हैं सेंसेशन। आई लव हर। टमाटर कैसे हैं? 20 रुपए में। और प्याज कैसे? मिल गई मिल गई मिल गई प्यारी आंटी। ए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अभी तक तो ठीक ही था। प्याज खाने से एनर्जी डबल हो जाती है कि नहीं? क्या हुआ, पागल जैसे बात कर रहे हो? बिल्कुल सही कहा, पागलों जैसे मैं बात कर रहा हूँ। गुलाटी मैं मार रहा हूँ और पलंग पर चढ़ के कूद तो मैं रहा हूँ। अंकल को अगर पता चल गया तो सोचा है क्या होगा? ये बात तुमको कैसे पता? अनन्या की आत्मा ने हमें बता दिया। अनन्या की आत्मा? अनन्या मरने के बाद आत्मा बन गई ना, और अनन्या की आत्मा किट्टू की बहुत क्लोज फ्रेंड है। तुम्हें क्या चाहिए? कितना चाहिए ये पूछो। कितने चाहिए? एक ही बात, एक ही रेट, 5 लाख। ठीक है, ऊपर आ जा, देती हूँ। थैंक यू। वन कैच, रानी बना दूंगा। कैसा लगा मेरा स्टाइल? तू तो बड़ा कमाल का है यार। अब देख कैसे नचाता हूँ। टीडिंग 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 टीडिंग, चीरू स्टाइल, चक चक चक, रजनी स्टाइल। बाप रे। और मेरा स्माइल, मेरे स्टाइल को देखकर कोई भी फिसल जाता है। भाई भाई, तेरा स्टाइल कमाल। अब देख तेरे भाई का कमाल। ए भाई, जरा इधर आना। क्या बात है? अपना जरा चश्मा दे। नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगा। टिंग टिंग टिंग। क्यों रे, तेरे बाप के पर से पैसे चुराता है ना? तुझे कैसे पता चला? अनन्या की आत्मा ने बताया है। अरे ये क्या बोल रहा है? बेटा, मैं और अनन्या की आत्मा एक साथ बैठकर बहुत सारी बातों पर डिस्कस करते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? अनन्या जो मर चुकी है उसकी आत्मा तुम्हारी फ्रेंड है। अनन्या कितनी अच्छी थी तुम जानते हो? ह्यूमैनिटी इज अनन्या, अनन्या इज ह्यूमैनिटी। अगर दोबारा तुमने अनन्या के बारे में बात की ना, उसके बारे में कुछ भी बोला ना, तो मार डालूंगी। मेरी दिल की धड़कन। क्या हुआ, तू इतना खुश क्यों हो रहा है भाई? अरे पागल, कम से कम बात तो की ना। तुझसे बात नहीं की, तुझे डांटा है। प्यार की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद? पहले थोड़ा गुस्सा करेगी, फिर बाद में बोलेगी फट्टू, उसके बाद बोलेगी आई लव यू किट्टू। समझ गया ना छोटू? आई लव हर। सर क्या करते हैं? भूत होते हैं या नहीं, यही रिसर्च करने के लिए आया हूँ मेरे टमटा। आप करेक्ट प्लेस पे आए सर। मुझे अच्छी तरह से पता है टमटा। एक बात बताओ, वॉचमैन का जॉब करना बहुत मुश्किल काम है क्या? सर बहुत ही मुश्किल होता है, कुछ पैसे वैसे दे दीजिए ना सर। पागल हो गया क्या रे? तेरे जॉब में क्या तकलीफ है? कोई कार आए तो गेट खोलना, कोई कार बाहर जाए तो गेट बंद करना, और बीच बीच में दारू पीना। फिर भी मैं आता हूँ तो मुझसे पैसे मांगता है, अजीब आदमी है टमटा। इससे पहले आपने कभी वॉचमैन का काम किया? मैं वहाँ नीलगिरी अपार्टमेंट देख रहा ना। तू मेरे को वॉचमैन समझता रहे टमटा? ऑनरो वॉचमैन नहीं, ऑनरो रे टमटा। हाँ देख रहा है। अबे क्या देख रहा है टमटा? अरे तू मुझे क्या देखेगा? भूत मुझे देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा। एक एक भूतों की बैंड बजा दूंगा टमटा। इसलिए टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं। इधर आइए। मेरे को पता है ये टमाटर नहीं कोई सब्जी है। अरे सुन मेरी बात टमाटर, इस फ्लैट के अंदर कौन से टमाटर रहते हैं? टमाटर टमाटर टमाटर। अबे यहाँ भी टमाटर रहते हैं? अरे वेंकी, साहब को फ्री में पूरा टमाटर दिखा डालो। जाओ, छी। आओ दिखाता हूँ तुम्हें। आता हूँ। क्या रे छोटे टमाटर, ये किसका फ्लैट है? ए छोटे टमाटर, चल दिखा।
फ्लैट तो दिखा दूंगा, कुछ कमीशन तो दो ना यार। टमाटर फूट जाएगा क्या समझ रहा है तू? 1 किलो टमाटर दे दूंगा लेकिन कमीशन नहीं दूंगा। उस फ्लैट में कौन रहता है, चल दिखा मुझे। टाइम अच्छा रहेगा तो आप रहोगे, नहीं तो आत्मा रहेगी टमाटर। आत्मा टमाटर? अनन्या नाम की एक लड़की थी, वो 1 साल पहले मर गई थी, उसकी आत्मा इसी फ्लैट में रहती है। तेरे को कमीशन नहीं दे रहा हूँ इसीलिए तू मुझे आत्मा का नाम लेके डरा रहा है ना टमाटर, चांस ही नहीं है। अरे भाई आप तो बहुत हिम्मत वाले हैं। हिम्मत वाले को भूत पकड़े तो क्या होता है, ये मैं तेरे को दिखाऊंगा। तेरे जैसे टमाटर बहुत देखे हैं मैंने, चाबी दे। ये लो तुम्हारे पैसे। क्या बात है। अरे आलिया ये क्या चल रहा है, इसने तो एक और अकाउंट ओपन कर लिया है। पति की मेहनत की कमाई है। पागल कहीं की, कुमार के साथ जो मजे किए उसके आगे ज्यादा है क्या? किसी को बताओगे तो नहीं? हे कौन हो तुम? अरे बाप। इसने देख लिया तो मेरा वीकनेस जान जाएगा। अरे लवर बहुत अच्छे तरीके से एहसास हो गया तुझे। क्या चाहिए आपको? पागल कहीं का, कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, मैं तो बस कह रहा था कि अंदर तुमने चादर बेड इस्तेमाल किया है ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आए वैसा बोलू क्या? आंटी ने जो 50 दिया है उसका बाकी आधा तुम दे दो। मुझे ब्लैकमेल करेगा क्या बे? मैं लॉयर हूँ पता नहीं है क्या बे? बेचारा, आलिया के पति के पास जो गन है उसे तो ये नहीं पता ना कि तू लॉयर है। वो अलग मामला है, ये अलग बात है, अगर मैंने मना किया तो ये बात किसी और को बताओगे नहीं ना? इंटेलिजेंट फेलो, बाय। इतनी रात हो गई अभी तक कोई आ नहीं रहा है, तो आए मुझे ले जाए, कोई तो आए। अरे वाह मेरा कस्टमर आ गया लग रहा है। डार्लिंग डार्लिंग कहाँ हो तुम डार्लिंग? वन वीक बैक वीकेंड पार्टी में एक रेप हुआ है सर, हादसे के वक्त वो लड़की पूरे नशे में थी सर। 1 साल के अंदर 15 रेप हो चुके हैं। हर एक रेप के लिए अलग अलग तरह के नशे का इस्तेमाल हो रहा है सर, बहुत ही बेरहमी से, क्रूरता से और बड़े हीनता के साथ रेप हो रहा है सर। ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता, इसके पीछे बहुत बड़ी गैंग होगी। ये लोग लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। ये उल्फ गैंग है, इसका केस ओपन करने के लिए और इस गैंग को ट्रेस आउट करने के लिए तुरंत हमें एक टीम बनानी पड़ेगी। ये स्नेक गैंग के साथ साथ ये उल्फ गैंग, ओफ गॉड। हेलो, ठीक है मैं तुरंत आ रहा हूँ। व्हाट हैपेंड सर? लंबा थिएटर के पीछे कोई किन्नर गंभीर स्थिति में पड़ा हुआ है। hey. परसों जो वीडियो अपलोड किया था उस किन्नर के वीडियो को बहुत सारे लाइक्स मिले हैं, गुड। इसी तरह रात को एक और वीडियो अपलोड करना होगा। हाँ समझ में आया ना, हमें पकड़ने के लिए पुलिस ढूंढ रही है, बी केयरफुल। उल्फ गैंग के बारे में अगर किसी को जानकारी मिले तो अपने करीब के पुलिस स्टेशन में उसकी जानकारी दें, तो पुलिस कमिश्नर की तरफ से आपको इनाम दिया जाएगा। क्या हुआ, आप काम कर रही है, काम वाली नहीं आई क्या? वो बेगम पेट के ट्रैफिक में फंस गई है, अभी व्हाट्सएप पे मैसेज किया है उन्होंने। लेकिन काम बहुत अच्छा करती है दीदी। क्या बात है, आलिया का मैटर कहाँ तक पहुँचा? अभी तक कहीं नहीं पहुँचा। सुंदर हार था ना, मैं तो कभी खरीदूंगी उसको। अरे रुक जा यार, तू तो किसी के पीछे पहले से पड़ा है। भाई तू चुप रह यार, 4 लोगों को बताकर मेरी बैंड बजाएगा क्या? अरे आंटी से लड़कियां बेस्ट होती हैं। वो लड़कों के लिए है। क्यों, हम लड़के नहीं है क्या? अबे हम जवानी पार कर चुके हैं। नहीं यार तुम्हें पता नहीं, लड़कियों का यही टेस्ट तुम लोगों है। को अगर टेस्ट के बारे में पता चल गया तो तुम लोगों की जिंदगी वेस्ट हो जाएगी। क्या बात कर रहा है तू? किसी भी मैटर के बारे में पता करना हो तो उसके बगल में आओ, तब पता चलता है। ये पर्सनल मैटर है, मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा बताओ क्या मैटर है? हमारे बिल्डिंग में एक स्टेप फादर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो अपनी सौतेली बेटी के साथ स्टेप्स डालने को लेकर बहुत ही उछल रहा है। वो जूनियर एनटीआर का स्टेप्स तो नहीं है, रॉन्ग स्टेप्स डालना चाह रहा है। अगर ये बात सबको पता चल गई। बात समझ में आ गई, कितना? फिलहाल के लिए सिर्फ 10 दे दो। मतलब कितना? 10,000 निकाल चल।
अरे बाप के पैसे हैं, हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। इस बारे में तुझे कैसे पता चला? बहुत ही बेकार सवाल है। मुझे कैसे पता चलता है? तेरे दोस्त को अच्छे से पता है, दोनों चोर है। नॉटी। बैंड बजा दी क्या? ऑलरेडी तुम दोनों की डील हो गई थी क्या? मेरी डील के बारे में क्या बताया? हम दोनों के बारे में उसे कैसे पता चला? अनन्या की आत्मा ने बोला है। आत्मा ने बोला है? मैं इसे जरूर बताऊंगा कि आत्मा होती क्या है। फ्लैट इतना अच्छा है और सभी लोग बोल रहे हैं भूत है। भूत का नाम लेकर मुझसे कमीशन खाना चाहता है चोर टमाटर। भूत के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ मैं। ये हिमेश रेशमिया का गाना है, वो हमेशा उधर ही रहता है, ये उसके लिए ही पैदा हुआ है। इस समय कौन आया होगा? आता हूँ भाई, आता हूँ। क्या रे टमाटर, इस समय डिस्टर्ब करने आ गया? एक छोटी सी हेल्प चाहिए। हेल्प? चल बहुत अच्छा। सर ये मेरी टमाटर है सर। आज ही इसे गांव जाना था लेकिन इसकी बस मिस हो गई। एक रात के लिए आप इसे अपने घर में रख लीजिए। जी जी जी, मतलब रात में रहकर वो सुबह चली जाएगी। बस एक रात के लिए इसे अपने पास रख लीजिए ना सर, प्लीज मेरे लिए सर। रुको एक मिनट। ओके टमाटर चाहिए ना तेरे को? टमाटर सर, सर तेरी शक्ल देख के हाँ बोल रहा हूँ, समझा ना? सुबह तक चली जाएगी ना? ठीक है सर। तो फिर ठीक है, भेज दो इसे अंदर। सर आप देख लेना सर, और तुम भी सर को अच्छी तरह से देख लेना। हाँ बहुत हो गया, चल भेजते। ये नॉर्मल टमाटर नहीं है, रसीला टमाटर है। बैठो 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 बैठो। बेबी तुम्हारा नाम क्या है? काकी कनाडा की कांचना। कांचना बहुत अच्छा नाम है, कितना रोमांटिक नाम है। बेबी थोड़ा पियोगी क्या? वो तो शराब है ना, मुझे पता है। बाप रे, तुम मेरे लिए पैक बनाओगी? अगर मैं बनाऊंगी ना तो तुम बनाने के लायक नहीं रहोगे। एक बार लेट गए तो उठाने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। एक और टमाटर चाहिए क्या रे तुझे? तू तो सीधा कटक गई। पैक पीने की बात करके मुझे बच्चा समझ रखा है क्या? तेरे जैसे कितने टमाटरों को मैं झेल चुकी हूँ। कांचना, काकी कनाडा कांचना, अगर बॉटल उठा ली ना तो कालिका देवी के अवतार बन जाती हूँ। हाथ हटा। क्या वो डार्लिंग अच्छा नहीं लगा क्या? डार्लिंग बोलने की हिम्मत कैसे हुई? लात काहे को मारती है? Hey, लड़के देखे नहीं कि बैग पिला के उससे अकेले में मिलना चाहता है तू? बॉटल चाहिए तुझे? अरे बाप रे, मर गया। अरे टमाटर, टमाटर, अरे अरे उठ रे। क्या सर, इतना सेक्सी कैटरीना कैफ का सपना देख रहा था। अबे तू यहाँ कैटरीना कैफ के सपने देख रहा है, वहाँ तेरी मंगेतर मेरी बैंड बजा रही है। क्या मजाक कर रहे हैं आप, यहाँ पर मेरी कोई मंगेतर नहीं है सर। अबे कैसी बातें कर रहा है तू, अभी कुछ देर पहले अपनी मंगेतर को मेरे घर छोड़ा था ना। सर अगर मेरी मंगेतर होती तो मैं इस फ्लैट में किसी के घर भी छोड़ देता, पर आपके पास नहीं छोड़ता। मैं आपकी हरकत जानता हूँ। कैसी बातें कर रहे, कुछ देर पहले अपनी मंगेतर को मेरे घर तो छोड़ कर गया। कैसी बातें कर रहे हो, मेरी कोई मंगेतर नहीं है। चलो दिखाओ। चलो दिखाओ, आजा। कहाँ है सर? यहाँ देख, इधर तो कोई नहीं दिख रहा। इधर ही कहीं होनी चाहिए, कहाँ चले गए? मेरी कोई मंगेतर है ही नहीं सर। अरे थी तो। आपने कुछ ज्यादा ही पी ली होगी सर, नहीं तो वो वाला मैटर होगा सर। कौन सा मैटर? भूत का मैटर। अबे सुन टमाटर, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, चल जाओ यहाँ से। मेरी एक बात मानिए सर, टमाटर को छोड़ कर ना
नींबू अपना लीजिए। मुझे क्या अपनाना है तू मत बता, चल जा यहां से। चलो मैं टमाटर की बात कर रहा हूं, ये नींबू समझा रहा है मेरे को। भूत बोलता है भूत। अगर मेरे को भूत मिल जाए ना तो काट के मिर्च मसाला लगा दूंगा उसे। टमाटर इधर आ रे, मैं क्या हूँ तुझे बताती हूँ। मर गया, मर गया। छोड़ता हूँ तेरे सामने, मुझे छोड़ दे। आना आ, छोड़ दे, छोड़ दे। आ मर गया, माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। टम टम टमाटर, 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 टम टम टमाटर। मत मार मेरे को, मत मार। क्या हुआ? मुझसे प्यार करने वाला था ना? अरे मुझे कोई बचा ले। अरे ये कैसा अवतार है नंगा पुंगा? क्या नंगा पुंगा बोल रहा तू? टमाटर कहीं का? तेरी मंगेतर ने मुझे मार मार के मेरा टमाटर सूजा दिया यार। सर मैंने कहा था ना मेरी कोई मंगेतर नहीं है, वो भूत होगी। अरे आप बहुत मस्त हैं, इसलिए उसने आपका इस्तेमाल किया होगा। अरे मैं कोई मस्का हूँ जो मेरा इस्तेमाल करेगी? क्या बात कर रहे तू, सब लोग मस्का कहाँ इस्तेमाल करते है तू? हर जगह कहाँ इस्तेमाल करते मुझे नहीं पता, लेकिन आपका तो इस्तेमाल किया होगा ना सर। देखेगा, देख कहाँ इस्तेमाल किया है सर। अबे ये ताजमहल है क्या जो देखने के लिए इतना तड़प रहा है बे? सर मेरी बात सुनिए, तांत्रिक को बुलाते हैं। अच्छा? वो तांत्रिक भूत को पकड़ कर आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व अच्छा? कर देगा सर। अच्छा ये बताइए, रुकू के बारे में क्या सोचा भाई? वही तो मैं सोच रहा हूँ, आइडिया। भाई भाई जरा कैमरे में लुक दो तो, जरा इसे पहनो। राजमाली जी फिक्स। ये सब क्या है? अभी तो इधर है, बाद में पता नहीं किधर होगा। ओए तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ में आए ऐसा कुछ बोलो ना। वहाँ पर वो लड़की बैठी दिखाई दे रही है तुझे? बहुत अच्छी है। राजमाली जी कास्टिंग डायरेक्टर है, बाहुबली फिल्म के लिए प्रभास को छोड़कर बाकी सब की कास्टिंग उन्होंने की। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? भाई 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 भाई, अगर उस लड़की के सामने तुम आ गए तो फिर तो तुम्हारा फ्यूचर बदल जाएगा। और राजमाली जी की नेक्स्ट मूवी बहुत बड़ी है। हाँ। सुनो, गुरु जी नेक्स्ट फिल्म के लिए विलन ढूंढ रहे हैं भाई। उस कैरेक्टर के लिए तुम परफेक्ट फिट, एकदम परफेक्ट हो। अभी करना क्या? मैं बताता हूँ तुम्हें, बस उसे अपना टैलेंट दिखाना है। उसे उठा लूं क्या? नहीं नहीं, तुम्हें बस जाके उसे ये चश्मा देना है। और ध्यान से सुनो, आंखों से उसे टैलेंट दिखाना। ये क्या? वो किट्टू उस लड्डू को शायद मेरे बारे में कुछ बोल रहा है। अब देखना मैं क्या कमाल करता हूँ। भाई नाटक मत करना, फीलिंग चाहिए फीलिंग। देखना अभी दिखा दे भाई। अरे एक मिनट, उसे लगना चाहिए कि मैंने तुम्हें रिकमेंड किया है, वरना रिजेक्ट कर देगी। हाँ। तुम मेरे जाने के बाद आना, समझे? उस लड्डू को मेरे बारे में क्या बोल रहा था तू? मुझे इसमें शामिल मत करो, वो बहुत ही बड़ा गुंडा है, 10 मर्डर किए है उसने, पता है? उसने पूछा कौन है, मैंने उसे बताया राघव जी की पोती है, वो बहुत ही प्यार करता है तुमसे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बीच में मत लाना, तुम जानो वो जाने, मैं चला। अरे बाप रे, उसे कुछ और बोला, इसे कुछ और बोला, प्लान क्या है भाई? देखो अगर बड़ी मछली को पकड़ना है तो छोटी मछली चारा बनती है। इज्जत से तुम्हें मुझे ही सेलेक्ट करना होगा, तुमने मेरे अलावा किसी और को सेलेक्ट किया ना, मैं क्या करूंगा पता है ना? बोलूंगा नहीं, करके बताऊंगा। कल मैं इसी टाइम पर यहाँ आऊंगा, कल तक सोच कर तुम मुझे सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो मैं फिर बताऊंगा। जाओ, चल जा। काकी नाना, बाकी नाना, जल्दी से भाग जा। इधर आ। अबे ओ टमाटर, भूत भगाने के लिए बुलाया है ना कि बुलाने के लिए? आ आ, ऐसे बोल रहा है जैसे पागल हो गया तू। अरे खोपड़ी का टमाटर मानू? मैं उसे पहले इसीलिए बुला रहा हूँ ताकि शांत करके भेज सकूँ। ये यहाँ क्यों आया? अरे तूने भूत को बुलाया तो ये टमाटर यहाँ कैसे आ गया? वो भूत इसके अंदर आकर यहाँ बैठ गई है,
क्यों आई है तू यहाँ? क्या चाहिए तुझे? मुझे पैसे चाहिए। अबे भूत को पैसे क्यों चाहिए बे? दारू पीनी है मुझे। क्या भूत लोग दारू पीते हैं? अरे जब जिंदा थी ना तो मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे चाचा सभी लोग मेरे सामने पीते थे। मुझे पीने की बहुत इच्छा होती थी, उसके पीने से पहले ही मैं मर गई। ना पीने की वजह से ही मेरी आत्मा अभी तक भटक रही है। मुझे दारू चाहिए, मुझे अभी दारू चाहिए। मेरी स्टोरी टमाटर की तरह गोल है, दारू नहीं मिली तो क्या करेगी? नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मेरे खून को दारू समझ रखी है क्या? देसी दे दूंगा, खून समझ के पी लेना उसे। ऐसी सस्ती दारू मैं नहीं पीती हूँ, मुझे महंगी वाली चाहिए। ये तो ब्रांड फैमिलियर भूत निकली। अच्छा कितने पैसे चाहिए? 5,000 रुपए। इतने ज्यादा क्यों? कुछ डिस्काउंट कर देना। है ना, आधा बोतल दारू पियोगी, आधा बोतल तेरा खून पियोगी। दूर है, दूर है, दूर है। ऐसी उल्टी सीधी हरकत मत कर, अभी देता हूँ। ये ले 5,000 रुपए। मैं वापस आऊंगी। अब क्यों आएगी? 5,000 दे दिया ना। क्या एक बोतल से पूरा साल गुजारूंगी मैं? मेरी तो लुटिया डुबा दी इसने। मेरी भी दक्षिणा दे दो, मैं भी यहाँ से चला जाऊँ। तेरा कितना रे? मेरी विजिटिंग फीस 2,000 रुपए। ले तू भी पकड़। अगर मैं सामने के रास्ते से गया तो बाबू को कमीशन देना पड़ेगा, अगर पीछे के रास्ते से गया तो हाँ यही अच्छा है। कोई नहीं है। अरे मेरे पीछे पड़ गई। मुझे टोपी पहनाना चाहता है तू? स्टोरी, स्क्रीन प्ले सब कुछ मेरा है। उस टमाटर ने कितने पैसे दिए? 1,000 रुपए। अच्छा 500 रुपए। अरे रे, चल आधे पैसे मुझे दे दे, ठीक है? तो सच कह रहा हूँ, 2,000 रुपए दिए। बाकी के पैसे कहाँ? चल निकाल, चल निकालना। तुझे 1,000 और मुझे 1,000। जब भी जरूरत पड़ेगी तुझे बुला लूंगा, अच्छे से एक्टिंग करके अपना हिस्सा ले लेना, और अगर ऐसे करती तो मारूंगा। चलो निकल ले। चलो चल, पार्टी करते चल। अरे बाप रे, उस टमाटर को डरा के उससे पैसे वसूल कर रहे हो तुम लोग? ए टमाटर नहीं रे, तुम्हारा सर तोड़ दूंगी मैं, समझ लो। बाजीराव मस्तानी कितनी अच्छी है ना, बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने। अरे बाप रे, फिर से आ गया। क्या डिसाइड किया तुमने? चाकू या एसिड? जल्दी से डिसाइड करो बेबी, मेरा कैरेक्टर कैसा है? मैं परफेक्ट हूँ तुम्हारे लिए, मेरे जैसा तुमको कोई नहीं मिलेगा। वरना इस चाकू से तुझे मुक्ति वुक्ति सब मिल जाएगी, समझी? प्यार से बात कर रहा हूँ इसलिए तुझे समझ में नहीं आ रहा, असली रूप में आया तो तुझे पता है क्या होगा? मुकद्दर का सिकंदर, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। शोले बम बम भोले, चक दे इंडिया, कभी खुशी कभी गम। ये हिंदी है, इंग्लिश के नाम लू? What is this? A B C D E F G। हैं? हीरोइन कहाँ गई? भाई वो बोर होके चली गई। Shit! एक बार हाथ से मौका निकल गया ना, 1+1 पछतावा होता है। और पैसे चाहिए क्या? क्या डिसाइड किया है तुमने? आत्मा या माँ? तुम्हारी माँ नहीं है, 5 मिनट भी अगर खुश कर दोगी ना तो जिंदगी भर हैप्पी रहोगी। जी। अरे जाती कहाँ हो? बेटी प्रिया। जी। राव जी, आपको जो बोला था वो याद है ना आपको? हाँ ठीक है ठीक है। प्रिया आ गई क्या? हाँ वो आ गई। तुम क्या अभी गई और अभी आ गई? प्रिया कॉलेज से अभी वापस आई है ना, उसे नाश्ता देना है इसीलिए। हाँ, मैं आ गई। ठीक है प्रिया, उपमा बना दूं बेटा? ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर मरना ही अच्छा है। प्रिया को हो क्या गया है? लगता है कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हुआ है। आहा क्या गाना है, वाह वाह वाह, ओहो आहा हा हा हा, क्या बात है। नहीं सॉरी माँ, मुझे माफ कर देना। ऑफर नहीं है यही सोचकर घर में बैठा हूँ।
आप समझने ए, बैठा क्या है? जल्दी आ, क्या हुआ? जल्दी घर में क्यों घुस रहे हो? प्रिया, क्या हुआ? प्रिया दरवाजा खोलो, प्रिया प्रिया क्या कर रहे हो? खोलो प्रिया, अरे तुम देख रही हो क्या कर रहा है ये? क्या कर रही है ये? प्रिया 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 उठो प्रिया, प्रिया बेटी, प्रिया ऐसा क्यों कर रही हो बेटी? कॉलेज में बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है लगता है। कमीने लोगों को सारी दुनिया कमीनी ही नजर आती है। देखो प्रिया, अगर तुम डर कर भागोगी तो तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी, और अगर तुम हिम्मत से आगे बढ़ोगी तो वही परछाई तुमसे डरेगी। देखो, आज से मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं इसका भाई बनकर इसकी रक्षा करूंगा। सुनो, घर में हम लोग हैं, प्रिया सुसाइड कर रही है, ये तुम्हें कैसे पता चला? ए, तेरे पास दो आंखें हैं, शिवजी के पास तीन आंखें हैं, और इंद्र के पास हजार आंखें हैं, पर मेरे पूरे शरीर में आंखें हैं। अनन्या की आत्मा ने बताया। आत्मा? आखिर प्रिया मरना क्यों चाहती है किट्टू? चक्री की इस हरकत की वजह से प्रिया ने ये स्टेप लिया। जब वो कपड़े सुखाने वाली रस्सी निकाल रही थी तभी मुझे इस बात का डाउट हुआ। आजकल की जनरेशन जितना स्पीड में है अंदर से उतनी ही इमोशनल है, हर काम के लिए आसान रास्ता ढूंढ लेते हैं, समझ गया ना? चल हम लोग रामायण का एपिसोड देखते हैं। रामायण बाद में देखते हैं, ये देखो हॉट गर्ल है साइड में, एक क्लिक करूं क्या? देखा, इसी तरह आजकल की यूथ किस तरह से डाइवर्ट होती जा रही है, किसी चीज को देखते ही उस तरफ डाइवर्ट होने लगते हैं। चलता हूँ। टाटा, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। बुड्ढा इस टाइम पे क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ डार्लिंग, बहुत टायर्ड हूँ, सो रही हूँ, कल कॉल करती हूँ ना प्लीज। इस टाइम पे लाइट कैसे चला गया? ए बदमाश, अभी तो गए थे फिर आ गए, अभी बताती हूँ तुम्हें। क्यों आए हो? इसी टाइम पर तो मजा आता है। ए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? दिमाग सही ठिकाने पर है। देखोगी क्या? ये देखो। अरे, क्या चाहिए तुम्हें? सारा मेंटेनेंस वसूल कर लिया क्या? सब वसूल कर लिया सर, वो लायर साहब है ना, तीन महीने से नहीं दे रहे हैं, पूछने पर वो सेक्शन वैक्शन बता रहे हैं। उसका सैंक्शन तो मैं बताता हूँ, वो फ्लैट में है? हाँ है सर। उस लायर के लिए ये नेपोलियन ही परफेक्ट है। नेपोलियन से याद आया, दारू पीने का टाइम हो गया। क्या हुआ?
रात में तुम्हारे जाने के बाद। मेरे जाने के बाद क्या हुआ बताओ तो। टू जीरो वन सेक्शन के तहत अगर केस करोगी तो जीत जाओगी, यही तुम्हारे लिए अच्छा भी होगा। केस समझा रहा था इसे मैं। तुम दोनों ही बहुत बड़े केस हो, यहाँ पर शरीफ लोग रहते हैं, ऐसी हरकतें करोगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुझे एक अच्छा लॉयर समझा था मैंने, तुझसे गिरा इंसान नहीं देखा। क्यों बेटी, अगर ये बात तुम्हारे पति को पता चलेगी तो तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा पता है? शर्म नहीं आती? दोबारा ऐसी हरकत करी ना तो इस फ्लैट से निकलवा दूंगा तुम्हें, याद रखना। छी। सब खत्म। मेरा नाम है लॉयर कुमार, अगर मुझसे पंगा लेगा तो सब कुछ खत्म कर दूंगा। अगर मेरी असलियत का पता ना चले तो इंसान हो, नहीं तो जानवर। ए, उस वीडियो को नेट पर अपलोड करो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब कुछ भी महसूस नहीं हुआ, पर रात में जब तुम मुझे नजर आई तब मुझे कुछ अलग सा ही लगा। बार बार तुम्हें देखूं ऐसा महसूस होने लगा। ऐसा क्यों लगा मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तुम्हें पता है क्या रुकू? मुझे क्या पता? मेरे दिल में झांक कर देखो, थोड़ा मुस्कुरा कर। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है रुक्कू। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, पर मैं तुम्हें 24 घंटे अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ, और प्यार तो दिल से किया जाता है। There is love, I love, we love, love loves love. हर जगह प्यार ही नजर आ रहा है। दिल में इतना प्यार रहने के बाद भी इतना नाटक क्यों? हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी किट्टू। पागल हो गई हो क्या? मुझे मत रोकिए, मैं मरना चाहती हूँ। पी रखी तुमने? छी, लड़का लड़की में आजकल कोई फर्क नहीं रह गया। तुम्हारी ज्यादा कमाई और आदतें तुम्हें खराब कर रही हैं। यही है तुम्हारी संस्कृति। प्लीज अंकल, आप मुझे छोड़ दीजिए। राजेश नाम के लड़के से मैं प्यार करती थी, उसने मुझे प्यार करना करके धोखा दे। प्रेम में सफल नहीं हुई तो क्या तुम अपनी जान दे दोगी? ये बात अलग है, वो बात अलग है। प्लीज अंकल, तुम्हारे माँ बाप ने कितने प्यार से दुलार से तुम्हें पाला होगा तुम्हें पता है? तुम आजकल के यूथ ना ये सारी बातें भूल जाते हो। प्लीज अंकल, वो प्यार अलग है, ये प्यार अलग है। I want to die. छोड़ो, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, चलो चलो। तुम रो मत, चुपचाप बैठो, कुछ पीने को लाता हूँ। No, I want to die. कहाँ जा रही हो? अंकल, मैं नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकती। चलो बैठो यार। देखो, तुम जो सोच रही हो ना वो सब हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह नशा उतरने के बाद जो करना चाहो कर लेना। चलो पियो उसको, पियो पियो। गुड अंकल, मुझे लगता है मेरा सर घूम रहा है। पीने के बाद सर तो घूमता ही है, चलो लेटो।
गया वो। रुको रुको, मिल गई। हाय डार्लिंग। हाय। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अरे ये इसका कैसे वेट कर रही है? मेरे लिए? ओह नो। डाउट है क्या? मतलब तुमने मुझे सेलेक्ट कर लिया? इतने वाइल्ड तरीके से तुमने प्रपोज किया ना, तो मैं तुम पर फिदा हो गई। फिदा? उस फिल्म में तो आमिर खान विलन है ना? लेकिन तुम मेरे लाइफ के हीरो हो। हीरो? आई लव यू। ये क्या, मेरा प्लान तो रिवर्स हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ भाग जाए? प्यार वाला तो मेरा कैरेक्टर ही नहीं तो है। कौन सा कैरेक्टर? अरे रुको, ये क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम इसे आई लव यू कह रही हो? ए तो तुम्हें बोलूं क्या? तुमने आके प्रपोज तो नहीं किया, इसलिए जाओ। ए, इसकी शक्ल देख और इसे देख। तुम्हें पता भी है कि प्यार क्या होता है? यू मीन लव? या लव इज लव, बिकॉज लव इज ऑलवेज लव। नॉट ओनली लव इज लव, इसे मेरे डायलॉग के बारे में, बट ऑल्सो लव इज लव। हियर इज लव, देयर इज लव, आई लव, यू लव। अरे ये क्या हो गया? अरे मुझे छोड़ दे। हाउ इज माई लव? प्यार को आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। मेरे प्यार को देखो, मेरे प्यारे किट्टू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्यों करे सीन कट्टू। मेरे दिल की धड़कन। भाई मेरा क्या होगा? बहुत बहुत थैंक्स मेरे भाई, मेरे लव ट्रैक को बहुत अच्छे से निभाया तुमने। अब तुम जा सकते हो। तुमने मुझे बहुत इस्तेमाल किया, इसलिए मैं तुम्हारी लव स्टोरी को एक अच्छी फिनिशिंग टच दूंगा। ए खड़े होकर क्या देख रहे हो? चारों तरफ से घेर लो इसे। ए कान खोल के सुन लो, ये राउंड अप करना बंद करो, समझे? मारूंगा नहीं, सीधे काटूंगा। मेरे काटने का कोई इलाज नहीं है, समझे? नो वैक्सीन, ओनली टॉक्सिन। यहाँ से भाग चलते हैं भाई, इसको देख के लग रहा है बहुत मारेगा। हम लोगों की हिम्मत को देखकर उसे डरना चाहिए। मेरे अंदर जितनी हिम्मत है ना, उसे लात मार के भगाऊंगा। डर का क्या मतलब होता है ये भी बताऊंगा तुझे। गुरुओं का गुरु हूँ मैं, समझा? मैं डरने के लिए कोई बिल्ली नहीं हूँ, शेर हूँ, शेर। ए, मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, समझ लो जरा। 1995 की बात है, एक रात बहुत ही बारिश हो रही थी, एक माँ बहुत ही तड़प रही थी, डॉक्टर भी परेशान था, लड़की होगी या लड़का? तब जाकर ये शेर पैदा हुआ था। बिल्ली है कि शेर अभी पता चल जाएगा। बटन बाबू नाम है मेरा। चंद्र बाबू का नाम बोल, नमस्कार करूंगा। भाई महेश बाबू का नाम बोल, ऑटोग्राफ दूंगा। छोटे बच्चे का नाम बोल, प्यार करूंगा। बटन बाबू बोला तो फोड़ दूंगा। भाई इसका तो फाइट करने का अंदाज ही अलग है। ए अपने अपने हथियार निकालो। ए पावर हथियार में नहीं होता, पकड़ने वाले में होता है, समझा? स्टोर बंद करो। ए, रहने के लिए कोई एक जगह चाहिए थी तो मैंने अपना पेंट हाउस दिया था। आफ्टर ऑल नेट बॉय है तू, तुझे तुझे मैंने अपनी बेटी दी।
जिस हाथ से दिया है ना उसी हाथ से काट दूंगा। कल सुबह मेरा पेंट हाउस खाली कर देना, नहीं तो जान से मार दूंगा। नहीं पिताजी नहीं, नहीं। सुन तू बीच में मत पड़, कल सुबह तक का समय दे रहा हूँ तुझे, चलो। ए, जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कुछ भी कर लो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे हटा दूंगा। ए, उठ रे। ए, उठ। 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 उठने के लिए कहा ना तुझे? आए, उठ। ए, क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रहा है? क्या हुआ? क्या चल रहा है? चल ले चलो इसे। क्या हुआ? मेरी बात जो करना था वो कर दिया, पूछ रहा है क्या किया? क्या किया? चल सर, क्या कर रहा है? बताता हूँ तुझे। बताइए तो सही सर। सर इसके दोस्त को गाड़ी में बिठाओ। रुको सर, वहाँ जैसे थे इतना अन्याय होगा ये सोचा नहीं था। एक सेकंड में सब बदल गया। बेटी से प्यार करने को मना करने पर इसने ही राघव जी को मारा है। चल। चल। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दीजिए। मर्डर की जगह कोई सबूत मिले? सर वहां से हमें ये रॉड बरामद हुआ है सर, और लाश के पास कुछ जला हुआ मिला है सर। पुलिस डॉग्स भी उसे पहचान नहीं पाए हैं। सारे सबूत मिलने चाहिए, कोई भी सबूत मिस नहीं होना चाहिए, समझे ना? इसे जल्दी लैब में भेजो। ओके सर। गो हेड। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। अरे सर, चल। मैंने कुछ नहीं किया सर। चल बताता हूँ तुझे। वकील साहब आ गए हैं। ये रहा बेल का पेपर। सर आफ्टर ऑल एक नेट बॉय के लिए आप जैसे बड़े वकील क्यों आए? जो पेपर चाहिए थे मिल गए ना, अब किट्टू को जल्दी से रिलीज कर दो। ओके सर। किट्टू की बेल हो गई है। राघव जी का मर्डर केस जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक किट्टू यहीं रहेगा। अब ये खूनी फैमिली के बीच में रहेगा? किट्टू शक के घेरे में है, खूनी नहीं है। जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता किट्टू के साथ अपार्टमेंट में जो भी रह रहे हैं कोई भी फ्लैट खाली करके नहीं जाएगा। मैं रोज आऊंगा, कोई भी अगर मिस हुआ तो समझ लो उसकी खैर नहीं। सब लोग है ना या कोई चला गया? वो अहल्या आंटी है ना, वो तो रात को ही फ्लैट खाली करके चली गई। हालिया? हालिया नहीं, आलिया। लगता है तू बहुत अच्छी तरह से जानता है उनको। बोलो। समझ गए ना सब लोग? संभल के रहना। डरने की जरूरत नहीं है। मेरी बात तो सुनो। रुको रुको, मेरी बात तो सुनो प्लीज। ए वेंकी, क्लब हाउस की सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। ओके किट्टू, पूरी सोसाइटी की फुटेज मैंने लोड कर लिया है। मर्डर कब हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन जब सुबह श्रीनिवास जी का बेटा क्लब के लिए जा रहा था ना, बॉडी को जमीन में पड़े हुए देखा था। ए,
राघव राव जी क्लब कितने बजे जाते हैं? रोज रात को करीब 10 बजे क्लब जाते हैं वो। रात को 10 बजे? हाँ। शह, लाइट को भी अभी जाना था। बाहर के कैमरे के फुटेज देखे तो? यस। ये हमेशा इसी तरह रहता है, बेवड़ा कहीं का। क्लब हाउस में लाइट चली गई और बाहर लाइट है, मतलब किसी ने जानबूझ के प्लान किया हुआ है यार। ये लुंगी उठा के क्यों आ रहा है लहर? यहाँ पे क्यों घूम रहा है? कहीं यही तो नहीं, मतलब लॉयर की रासलीला राघव जी ने देख ली थी। हो सकता है उन्होंने बदला लेने की सोची हो। कुछ बोल नहीं सकते। ये लाइट कब आएगी पता नहीं, इसको भी अभी जाना था। किटू, लाइट आ गई। ये कैसी आवाज है? क्या हुआ किटू? ये देखने में तो ये किसी लेडी का हाथ लगता है। तुझे कैसे पता किट्टू? उसके हाथ में तो ग्लव्स है। ज़ूम 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 ज़ूम, उस हाथ पर ज़ूम करो। ए, ग्लव्स के नीचे देख, वो रही लेडीज वॉच, देख। हाँ किट्टू, लेकिन कौन हो सकता है? मुझे लगता है कि डेफिनेटली किलर इस अपार्टमेंट का ही है। ये तुम यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? मैंने उस दिन जिस रॉड को अपने हाथ में पकड़ा था, जब मेरा और राघव जी का झगड़ा हो रहा था, तब पक्का वो वही होनी चाहिए। वो खिलाड़ी कौन है पता लगाऊंगा, गुत्थी सुलझाऊंगा। ये है किट्टू, कर दूंगा उसे कट्टू। राघव जी की हत्या के दिन ही आलिया फ्लैट खाली करके चली गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि खून उसने किया हो? मुझे ऐसी औरत नहीं लगती, वो मर्डर तो नहीं कर सकती। पर इसमें किट्टू का नाम कैसे आ गया और बेल भी बहुत जल्दी हो गई? आजकल सारे काम पैसों से होते हैं। अच्छा। लेकिन राघव राव जैसे शरीफ इंसान को आखिर कौन मारेगा? हम जैसे जेंटलमैन लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ये सब नहीं होना चाहिए। जेंटलमैन कौन है और खूनी कौन है, ये वक्त आने पे पता चल जाएगा। राघव राव जी का मर्डर हुआ उस वक्त क्लब हाउस में तेरा क्या काम था? एक्सक्यूज मी। अरे मेरे साथ रह तू। इसको कैसे पता चला? मेरे बारे में कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया? राघव जी को मारने वाला यहाँ हमारे बीच में ही, हमारे आस पास ही है, ये बात तो तय है। जल्दी मैं उसे पकड़ लूंगा, उसके बाद उसकी ऐसी की तैसी करूंगा। मिलता हूँ। दीदी दीदी, इसको फुला कर दो ना। आज टमाटर वाले से फिर से पैसे वसूल करने चाहिए। अरे ये कहां से आ गए, चल हटना। है फिर क्या सेटअप लगा रखा है तूने? अभी कोई भूत वूत नहीं है यहाँ पे, चल जा यहाँ से, भाग, बैठ जा। क्या ये ढोंग मचा रखा है? दारू के लिए मैं आऊंगी, ये भूत ने फोन किया था। अबे भूतनी ने फोन किया तो पागल जैसी बात कर रहा है? कैसे भी बात कर सकती है? जल्दी आ जा। तेरे मुंह में कीड़े पड़े, जा 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 के बजाय आ आ करके क्यों मेरे दिमाग की दही कर रहा है तू? देखो वो आ गई। ए तू आई है क्या? मैं बोली थी ना आऊंगी। अरे तुम आ रहा क्यों मुझे? मुझे यहाँ बुलाकर तू ऐसी बात करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा? मामला समझ में नहीं आ रहा है। ओहो, लगता है बाबू ने बोला होगा। बाबू से अच्छा यही नाटक कर रही है। अच्छा अभी तुम्हें कितना चाहिए? क्या चाहिए बोलो। अच्छा बताओ तुमको क्या चाहिए? दावत चाहिए मुझे, पूरी फैमिली को दावत चाहिए, दावत चाहिए। भूतों को दावत? क्या कह रही है, पैसे की जगह दावत क्यों मांग रही है? मुझे जो चाहिए वो मैं मांग रही हूँ, तू बीच में क्यों बोल रहा है बोल? ये अच्छा नहीं है,
ये बार बार मारना, ये स्क्रीन प्ले में लिखा हुआ नहीं था। ये ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो यार बाबू? क्या हो रहा? मुझे मत फंसा। अबे कैसा स्क्रीन प्ले, कैसा एक्शन में? बाबा तेरे ऊपर शक हो रहा है मुझे। ए टमाटर, अपनी वीकनेस को बीच में रखकर मेरा नाम लेकर तेरे पास पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। सच में? अच्छा प्रूफ करके दिखाऊं क्या? अरे ओ, ये सही बोल रही है सर, कल तक हमने खेला, आज ही हमारे साथ खेलेंगे सर। तू तो बोल रहा था वो तेरी मंगेतर है। ये सब कुछ ड्रामा था सर, ड्रामा। अबे कबीनो, सर आपने कमीशन नहीं दिया ना, इसलिए सब ड्रामा किया सर। अबे कबीनो, तुम लोगों ने मेरे साथ ये किया, तुम लोगों को फील लेकर तुम्हारे घर का भुर्ता बना दूंगा, भुर्ता बना दूंगा। इधर आओ रे सारे लोग, मेरी फैमिली को दावत चाहिए। हाँ दूंगा। नहीं दिया ना तो तुम लोगों के खून से दावत करूंगी। नहीं 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 नहीं, दावत देंगे, दावत देंगे। हाँ मेजर तो संस्कृत जानता था, संस्कृत में लिखकर कुछ संकेत देना चाहता था, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है। चल नमस्ते मास्टर जी, मास्टर जी। नमस्कार नमस्कार। राघव राव जी की जहाँ पर हत्या हुई वहाँ पर हमें एक निशान मिला है, ये क्या है आप बता सकते हैं? ये कोई समझने वाली बात नहीं है, ये संस्कृत के चार अंक है, ये एक से लेकर दस तक के नंबर हैं, ये संस्कृत के अंक हैं, ये तीन और ये चार। क्या हो गया है जनरेशन को, संस्कृत के अंक को भी भूल गए? संस्कृत को श्राप लग गया है। इसका मतलब ये चार अंक लिखा है, मतलब ये खून चार लोगों ने किया है किट्टू? वो चार भी हो सकते हैं, फांसी लगा के मारने की कोशिश की होगी ये भी कह सकते हैं, या फिर हो सकता है कि बात ही कुछ और। हाँ। ए, हाँ? इस सोसाइटी के हर इंसान का पैन कार्ड और आधार कार्ड मुझे चाहिए। ओके किट्टू। अरे बाबू कहाँ रे? आ गया भाई, आ गया आ गया। सिगरेट मंगाया था, वो लेकर आए क्या? हाँ। ये लो अपना सिगरेट और माचिस। माचिस पकड़ने से हाथ में पास आता है तो लाइटर ले लेना चाहिए ना। लाइटर के नाम से मैं चिढ़ जाता हूँ। सुबह सुबह मैं ही मिला हूँ क्या? खुद ही चला लीजिए ना। हाथ से चलाऊंगा तो हाथ में बदबू आ जाएगी। संक्रांति को दावा देने को कहा था वो भी नहीं दिया। मैंने खा लिया समझ लो, तूने खा लिया। अरे दिवाली में पिलाने की बात कही थी आपने। अरे मैंने पी लिया समझ ले, तूने पी लिया भाई। नए साल में आपने बिरयानी खिलाने को कहा था वो भी नहीं खिलाई। एक बार बोलूं कि मैंने खा लिया तो तूने खा लिया समझ ले, चल सिगरेट दे। आपने ही बोला था ना सर, मैंने जलाया तो सोच लो आपने जलाया। इधर आइए। हां आ रहा हूं। मेरे घर क्यों जा रहे हैं? सर आप गए या मैं गया एक ही बात है सर। ये सब देख के लगता है खूनी ने बहुत प्लांड वे में मर्डर किया है। तूने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मर्डर जिस जगह पे हुआ है वहां पर कुछ जला हुआ मिला। जिस लड़की ने भी ये किया है बहुत ही चालाक है। सुलझाऊंगा इस गुत्थी को, मैं जरूर सुलझाऊंगा। आवाज सुनाई दी क्या तुझे? ये लड़की नो चांस की टू, ये नाइट में जॉब पे जाती है और सुबह आती है, इस पे डाउट करना वेस्ट है यार। इसे छोड़ किसी और के बारे में सोच, वही सही रहेगा। एनसी ने किया होगा। तू कैसे बोल सकता है? ए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, करेक्ट टाइमिंग देखकर मैं ये साबित कर दूंगा। चल एसआई सर बोलिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। Thank you.
सकती हूँ। प्रॉब्लम है जरा देखो तो प्लीज। मैं आ रहा हूँ नैन्सी। अब वो मेरे जाल में फंसने वाली है। नहीं मारा है, तुझे कैसे पता? जब नैन्सी लंच के टाइम पे वहाँ से जा रही थी तब उसकी अलार्म की आवाज सुनाई थी। हाँ, सुनाई तो दी थी। राघव राव जी को जब रॉड से मार रही थी तब भी ये आवाज आई थी, याद है ना? लेकिन उसका इससे क्या संबंध है? अरे तू जरा सोच वेंकी, रात के 12 बजे नैन्सी ने अपनी घड़ी में अलार्म किस लिए सेट किया होगा, सोच जरा। खून भी रात के 12 बजे ही हुआ है और फिर वही दोपहर में 12 बजे उसी अलार्म की आवाज नैन्सी की घड़ी में सुनाई दी। इसका मतलब नैन्सी और खून का कोई ना कोई तो संबंध जरूर है। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं सूझा किट्टू? ए, आइडिया सिर्फ हीरो को ही आते हैं। किट्टू, नेट किसी भी तरह कनेक्ट हो जाए, देखो ना प्लीज, बहुत जरूरी है। कूल नैन्सी, कूल, मैं आ गया हूँ ना। नेटवर्क प्रॉब्लम, ऐसे नेटवर्क का पासवर्ड बताना जरा। ओह गॉड, याद नहीं आ रहा, एक मिनट रुको। हेलो आयशा, हमारे नेट का पासवर्ड क्या है? व्हाट? AB12345। ओके ओके, मैंने नेटवर्क का पासवर्ड पूछा, जीमेल का भी पासवर्ड चाहिए। नैन्सी gmail.com पासवर्ड 3 शक्ति। सिस्टम का नेटवर्क सब सही है, वायर का कुछ प्रॉब्लम होगा। प्लीज किट्टू, वेरी अर्जेंट, फास्ट। ए वेंकी, नैन्सी के फ्लैट का केबल चेक कर जरा। ओके, वायर जरा कट गया है, 5 मिनट लगेगा, डोंट वरी। वैसे तुम्हें बेल कैसे मिली? मैंने मर्डर किया ही नहीं तो बेल तो मिलेगी ही ना। फिर किसने किया मर्डर? खून किसी मर्द ने नहीं किया है, औरत ने किया है, और ये भी अनन्या की आत्मा ने मुझसे कहा है, और आज रात को वो खूनी को अपने सामने लेकर आएगी, ऐसा कहा है। What? आत्मा? तुमने हेल्प की इसीलिए बात कर रही हूँ, या आत्मा वात्मा की बात कर रहे हो? बुलशिट, फर्स्ट आउट। कूल नैन्सी, कूल, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अनन्या की आत्मा ने सब कुछ देख लिया था। मिलता हूँ। बुलशिट, आत्मा वात्मा। नैन्सी, जिस रॉड को मैंने अपने हाथ से पकड़ा था उस रॉड से राघव जी का मर्डर करके मुझे फंसवाना चाहती थी। हाँ, तुम्हारी ईमेल आईडी तुमसे ही बुलवा के तुमने जो गलती की है वो तुम्हारे मुंह से ही उगलवाऊंगा मैं। खेल तुमने शुरू किया है ना, अब खत्म मैं करूंगा, समझी? कनेक्शन आया लगता है। ये क्या, मेरे मेल ओपन करने से पहले किसी ने मेल खोलकर उसे हैक कर लिया। Hi Nancy, how are you? I am Ananya. राघव जी को मारा, फिर उसे फंसाया, उस रॉड को कपड़े से पोंछा, बिना कुछ सबूत छोड़े उसको तुमने बहुत चालाकी से मारा। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था, तुम्हारे ही मेल पर तुझे मैसेज किया, अगर तू सुपर है ना तो मैं भी सुपर हूँ। दिल की बात कहने के लिए सोशल मीडिया बहुत इस्तेमाल कर रही हो ना, तुम्हारे जैसा दिमाग अगर मेरे साथ रहे तो कितना अच्छा होगा ना। आ जा, आ जा ना, आ जा, आना। ए नैन्सी, क्या हुआ तुझे? अचानक से ऐसे चिल्लाने क्यों लगा? अनन्या मुझे मेल पर बुला रही है। क्या हुआ इसे? मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे बुला रही है। मैंने राघव जी को मारा है।
मैंने राघव जी को मारा है। शाबाश। सुनो सुनो, इसी ने मारा है। हाँ, मैंने ही मारा। जब राजेश से मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैं सुसाइड करके मरना चाहती थी, तब राघव जी ने मुझे बचाने का नाटक करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। इसलिए मैंने तुम्हारे और राघव जी के झगड़े के बीच का फायदा उठाकर तुम्हारे रॉड का हेड प्रिंट लेकर राघव जी के सर पे मार दिया। मेरे पिताजी वैसे नहीं थे। तुम सब लोग मेरे पिताजी को नहीं जानते। वो मेरे सिर्फ पिताजी ही नहीं थे, मेरी माँ भी थे। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। देखो, कोई अपनी बेटी से इतना प्यार करके किसी पराई बेटी के साथ में कोई ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि राघव जी ने तुम्हारी जिंदगी के साथ में खेल खेला है? हाँ है। मेरी नंगी तस्वीरें उन्होंने किसी गंदी साइट पर अपलोड भी की है। देखो, ये फोटो राघव राव जी ने अपलोड नहीं की है। क्योंकि राघव जी को मरे 1 हफ्ते हो गए हैं। ये फोटो कल अपलोड की गई है, मतलब किसी और ने अपलोड की है। और ये भी सुन लो, राघव जी को भी तुमने नहीं मारा है। वो तुम्हारे मारने से नहीं मरे, तुमसे पहले उनकी किसी ने गला दबा के हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। आज दोपहर में ही SI ने फोन किया था। खून हुआ था रात के 11:30 बजे और तुमने रॉड से मारा था रात के 12 बजे। ओके, सो अनन्या की आत्मा ने तुम्हारे साथ चीटिंग की है, ये सोच रही हो ना? वो सब मैंने ही किया है। तुम्हारे पासवर्ड से तुम्हारा मेल अकाउंट हैक किया। ये agentsurya.com और राघव जी की मौत से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। पता लगाऊंगा, खूनी इसी अपार्टमेंट में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। इसके पीछे कौन कौन है, सबको बाहर निकालूंगा। किट्टू, मेरे पिताजी पे तुमने इतना विश्वास किया, उसके लिए थैंक्स। तो फिर क्यों ना एक रोमांटिक सॉन्ग हो जाए? हाँ, क्यों नहीं। ओ गॉड, शहर में जो भी अत्याचार हो रहे हैं, एजेंट सूर्या साइट पे अपलोड हो रहे हैं। शायद ये उल्फ गैंग का ही काम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। प्लीज स्टॉप इट। कूल नैंसी, कूल। नैंसी, शांत हो जाओ। ये एजेंट सूर्या वेबसाइट कहाँ से, किसके ईमेल से आ रहे हैं, जल्दी से पता लगाओ। वीडियो को कहाँ से अपलोड कर रहे हैं, ट्रेस करो। सर, ये वेबसाइट अनन्या नाम की आईडी से है। व्हाट? अनन्या के नाम पे? वही तो, अनन्या को मेरे 1 साल हो गई। यस, वही तो। प्लीज कंटिन्यू। ये वेबसाइट एक टैब से ऑपरेट हो रही है। वो टैब अभी ऑन है क्या? देखो। हाँ, ऑन है सर। किस एरिया में? SR नगर सर। जगह जगह कौन सी है सर? वामसी इनक्लेव। क्या, हमारे अपार्टमेंट से? रुको, अनन्या के साथ कॉलेज फ्रेंड कौन कौन था? किट्टू, उस लड़की को कहां लेके गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ओ गॉड, अरे बाप रे। फोन उठा। इडियट्स, वो किट्टू सॉफ्टवेयर गर्ल्स को लेकर साइबर कैफे पुलिस स्टेशन गया है। तुम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हो, ये पुलिस को पता चल गया है। पुलिस आ रही है। पुलिस आ गई। हम अपार्टमेंट में पहुंच गए हैं सर। वहीं से लेफ्ट की तरफ जाओ। ओके सर। अरे रे रे रे, क्या देख रहे हो तुम लोग, टैब को फेंक दो। अरे फोन स्विच ऑफ कर, जल्दी कर, जल्दी से स्विच ऑफ कर। छी, सिग्नल कट हो गया सर। लेफ्ट में जाओ और देखो कि किसके पास टैब है। यहाँ तो किसी के पास टैब नहीं दिख रहा है सर। देखो कोई बात कर रहा है क्या। ओके सर, चलो। पुलिस जा रही है, शांति से बैठ। गॉड, हाय अंकल, आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बेटा। अबे चुपचाप चल। हाय अंकल, आज मेरा बर्थडे है। Happy birthday! Happy birthday! मेरा बर्थडे है। Happy birthday! Thank you. Hi. मेरा बर्थडे है। Wow! Thank you. 1 minute. Ta ta da! Thank you. मेरी प्यारी बेटी.
अपार्टमेंट में लाइट चली जाना और फिर वापस आना, ये जरूर कोई अपार्टमेंट का ही कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी बिल्डिंग का कोई ना कोई शातिर इंसान है। क्या हुआ? सुनिए, इससे पहले कभी हुआ था क्या? इस लड़की ने च्युइंगम के साथ ड्रग्स लिया है। She is out of danger. Nothing to worry. Thank you, doctor. Thank you. प्रिया, प्रिया बेटी, ऐसी गलत आदत तुम्हें कहां से लग गई? रुकिए माँ जी, प्रिया ऐसी नहीं है। प्रिया, वो च्युइंगम तुम्हें किसने दिया? बताओ, कहां से आई वो च्युइंगम? शौर्य बेबी का बर्थडे था तो उसने मुझे चॉकलेट के बदले च्युइंगम दी। सभी को चॉकलेट दिया था, लेकिन प्रिया को ही च्युइंगम क्यों दिया? समथिंग इज रॉन्ग। हाय सुब्रत जी, कैसे हैं? अच्छा हूँ। क्या बात है, आपने बर्थडे में सबको चॉकलेट की जगह पे च्युइंगम बांटा है। भाई, चॉकलेट ही दिया है मैंने। तेरा सोना बेटा, कैसी है? तुम्हारे बर्थडे के दिन तुमने सबको चॉकलेट दिया, लेकिन सिर्फ प्रिया दीदी को ही तुमने च्युइंगम क्यों दिया, बताओ? उस अंकल ने मुझे देने के लिए कहा था। मैंने बोला था ना फोन मत करो। कहाँ हो तुम? माधव नगर में। तुम नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम वहीं पे ठहरो, जब तक मैं ना बोलूं मत निकलना, ठीक है ना? हेलो। ए किशोर, किट्टू की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। ये कौन है रे? अपनी साइट को एंटीवायरस की तरह पकड़ लिया है, उसे पहले खत्म करो। मारना है? हमने अभी तक अपनी वेबसाइट पर केवल लाइव रेप ही डाला है। लाइव मर्डर किट्टू से ही शुरुआत होनी चाहिए। देखते हैं, आज रात को ही खत्म कर देंगे। हाय, मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। ओके। तुम अपना नंबर दोगी क्या? अपनी ओरिजिनल फोटो भेजोगे तो मैं मिलूंगी। ठीक है, तुम भी अपनी फोटो भेजो। कमॉन 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 आंटी, कमॉन आंटी। किरण माँ, नो। अरे यार, ऐसा क्यों किया इन दोनों? यार पता नहीं कैसे हो गया। हाँ यार, सोचा भी नहीं था। इंटरनेट काम का भी है और एक फीवर की तरह भी है। चैटिंग बस एक वायरस की तरह फैले जा रहा है। बेटे को बचपन से मैंने इतना बड़ा किया, मेरा ही खून है वो, और मैं उसे लाइक करने लगी। मैंने जो गलती की वो गलती कोई और ना करे, इसीलिए मैं ये लेटर लिख रही हूँ। हमें इंटरनेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्लीज। देखा ना तुम लोगों ने, जो दूर रहते हैं उनको करीब लाता है ये फेसबुक। और देखा तुमने, इसी फेसबुक ने अपनों को दूर कर दिया। इसीलिए अपनी ओरिजिनल फोटो डालकर चैटिंग करो, नहीं तो माँ बाप भाई बहन किसी का पता नहीं चलेगा। यहां पर भी यही हुआ। कौन किसके साथ क्या क्या चैटिंग कर रहा है, कानून में इसकी कोई भी धारा नहीं बनी है। पर जिसे जब भी पता चल जाता है वो अपने आप को ही सजा दे देता है। ये सबसे बड़ी सजा है। सोशल मीडिया को
अपनी उन्नति, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, पर आजकल तो गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई किरण और उमा देवी की तरह मरना नहीं चाहिए, प्लीज। कोई नहीं है, चला जाओ। ठीक है। कहाँ चला गया यार? तेरी तो अब तो गया। जय क्या हुआ है बेटा? अल्लाह भाई, जय क्या हुआ? देखा ना माँ, किट्टू को इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया, उसने भूत का नाटक किया। उसका यही असली रूप है। हमारे घर में कैमरा रखकर हमें ही ब्लैकमेल कर रहा है तू? अरे हमारे अपार्टमेंट में रहकर इस तरह का गंदा काम करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे इससे बात क्या कर रहे हो? मारो सब लोग कमीने को। ये चलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने? अबे तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम सबको ब्लैकमेल करेगा? ए, प्रिया को बचाकर बोल रहा है कि अनन्या की आत्मा ने बचाया था। इसे ऐसे नहीं, पुलिस के हवाले कर। पुलिस को नहीं, इसके हाथ पैर तोड़कर इसे जिंदा दफना देते हैं। रुको, क्यों मार रहे हो किट्टू को ऐसे? किट्टू बताओ ना क्या हुआ है, सच बताओ इन्हें। अरे ये बोलेगा और हम लोग सुनेंगे? तुम्हारी जो भी खूबसूरती है ना, वो सीसीटीवी कैमरे में कब का देख चुका होगा। क्या रहे हो, मारो इस कमीने को। जाओ। यू नो हु इज, डू यू नो हिज मंथली सैलरी इन यूएस? $30,000 पर मंथ। इसका मतलब पता है तुमको? हमारे इंडियन करेंसी में तकरीबन 25 लाख रुपए। तुम लोग इसकी इतनी बेइज्जती कर रहे हो, चुपचाप से इसे सह रहा है और सिर्फ 500 रुपए में काम कर रहा है। पता है क्यों? सिर्फ एक ही वजह से, उस देवी के लिए। तुम सब लोग भूत भूत कह के डरते रहते हो ना, उस देवी के लिए, उस अनन्या देवी के लिए। Burger. Enjoy your burger. Welcome. Thank you. Sir, menu card. Order, sir. Hey, Mr. Shivram Krishna. Namaskar, sir. आप यहाँ क्या कर रहे हैं? Sir, वो आप तो यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फिर यहाँ पे काम, आपने वो हैकिंग टेक्नोलॉजी कोर्स भी किया है ना? आप तो अमेरिका जाने वाले थे ना? लेकिन कोर्स के लिए तो पैसे चाहिए ना सर, नहीं है इसीलिए। आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को एजुकेशन में कोऑपरेट करने के लिए लीव वन लेट लीव नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता नहीं है? नहीं सर। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी वहाँ से। सच में सर? अरे कोई शिवराम कृष्ण है, फेसबुक पर मैसेज कर रहा है, मुझसे मिलना चाहता है वो। अरे तुमने मेरा फेसबुक क्यों ओपन किया और मेरा टैब तुम्हारे पास क्यों है? लाओ इधर। एक 15 साल की लड़की थी जिसका नाम अनन्या था, मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी। मैंने पता लगाया कि उसके पिताजी उसकी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करते थे। पैसे नहीं होने के बावजूद भी वो दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी अनन्या को पढ़ाना चाहते थे। इसलिए उस लड़की को पढ़ाई की कीमत पता थी। जो लोग पढ़ नहीं पा रहे थे उनकी मदद के लिए उसने खड़े रहने का फैसला किया।
उसने लीव एंड लेट लीव की एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। फेसबुक द्वारा उसने अपने फ्रेंड्स से इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100-200 रुपए इकट्ठा किए और सभी फ्रेंड्स ने 100-500 जो भी मदद कर सकता था सब ने उसकी मदद की। उसने मेहनत की। कुछ ही लोगों की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था वो आज लाखों हजारों लोगों की मदद कर रहा है। इतने क्वालिफाइड होने के बाद भी इतना लेट क्यों अप्लाई कर रहे? कल तक नहीं पता था मैडम कि ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में है। अभी पता चल गया ना, आपको जो भी कोर्स करना है लिव एंड लेट लिव आपकी पूरी मदद करेगी। थैंक यू मैडम। यू आर वेलकम। इतनी छोटी सी उम्र में आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इतने सारे लोगों की मदद की, यू आर ग्रेट मैडम। कुछ लोगों को मस्ती पसंद होती है और कुछ लोगों को पैसे कमाने का नशा होता है, और मेरे लिए दूसरों की आंखों में खुशी देखकर ही सुकून मिलता है। यू आर अमेजिंग। आपने जो मदद की, इस एहसान को मैं कैसे उतारूं समझ नहीं आ रहा। आपको जॉब मिलने के बाद लीव एंड लेट लीव फाउंडेशन में आप भी मेंबर बन जाइए, बस इतना काफी है। जरूर बनूंगा मैडम। इस तरह से अनन्या मैडम ने जो हेल्प की उसकी वजह से मैं अमेरिका में 30 लाख रुपए कमाकर काफी खुश था। कैसे हो भाई? हाय वेंकी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अब तक तुमने 1 करोड़ रुपए लिव एंड लेट लिव में डिपॉजिट कर दिया है। गुड। अगर इसी तरह पैसे कमाकर तुम दान करते रहोगे तो तुम क्या बचाओगे किट्टू? खुशी। 10 लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ इस बात की खुशी। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उस अनन्या देवी की वजह से हूँ। या देखो वेंकी, उस देवी की राह पर चलना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। सोशल मीडिया पर लिव एंड लेट लिव ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाली अनन्या नाम की लड़की ने हैदराबाद के मोती नगर में वामसी इनक्लेव में आज आत्महत्या कर ली। नहीं। कुछ का कहना है कि ये प्यार में फेल होने के कारण किया है, या फिर उसके नाजायज रिश्तों की कहीं पोल ना खुल जाए इस डर से आत्महत्या की होगी। अभी तक पुलिस इसकी पूरी जानकारी नहीं कर पाई है। पागलों की तरह रोता रहा मैं हमेशा सोचता रहा कि आखिर अनन्या आत्महत्या कैसे कर सकती है, वो आत्महत्या कैसे कर सकती है। अरे जो दूसरों को जिंदगी जीना सिखा रही है, दूसरों की जिंदगी बनाने वाली, अनन्या की मौत आखिर क्यों हुई, ये जानने के लिए मैं हैदराबाद आ गया। अनन्या के पिता पागल हो चुके थे ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया। यस, उस बेचारी देवी की जिंदगी हमेशा के लिए छीन गई, उसकी आत्मा को शांति मिले यही मेरी कोशिश है। अनन्या की जिंदगी बर्बाद करने वाले उस नीच कमीने को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसी का पता लगाने के लिए मैं इस अपार्टमेंट में रहने के लिए आया। मेरा इतनी दूर से यहां पर आकर रहने का यही मकसद था और कुछ भी नहीं। सबूत मिले यही सोचकर मैंने पूरे अपार्टमेंट में CCTV कैमरे लगा दिए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। तुम्हें मैंने ब्लैकमेल क्यों किया पता है? ताकि तुम लोग फिर वही गलती ना करो, तुम लोग सुधर जाओगे इसीलिए। लेकिन तुम सबके अंदर इंसानियत बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि तुमसे लिए पैसे को मैंने लिव एंड लेट लिव ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारे ही नाम से डोनेट कर दिया। शाम लॉयर यहाँ पर क्यों आए है, क्या तुम लोगों को यह बात भी पता है? ये भी लिव एंड लेट लिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। और एक बात सुन लो, वो जो दो आंखें देख देख कर तुम भूत भूत करके चिल्ला रहे थे ना, जानते हो वो किसकी आंखें थी? विच्ची बाबू की। ये है मिस्टर वेंकटेश राव, प्राइवेट डिटेक्टिव। अनन्या के मर्डर में मेरी मदद करेंगे ये सोचकर मैंने इन्हें यहां रखा। तुम उसकी फ्रेंड हो ये सोचकर मैं तुम्हारे करीब आया ताकि उसके बारे में सारी जानकारी मुझे मिले। लेकिन तुम्हारे पिताजी की मौत का इल्जाम मुझ पर लग गया, लेकिन मैं अब तक पता नहीं लगा पाया। किट्टू, you are really great. ना जाए संबंध ये सब जो तुम लोग रखते हो, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तुमने प्रिया की जान बचाई तो मुझे लगा कि उसे एक भाई मिल गया, पर भगवान मिला है ये अब महसूस हुआ। अब हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। सॉरी किट्टू, हम लोगों को माफ कर देना। आज से प्रिया को मैं अपनी बेटी की तरह देखूंगा। गलती तो सभी लोग करते हैं, लेकिन गलती को सुधारने वाले ही हीरो कहलाते हैं, और जो गलती को नहीं मानता वो जीरो होता है। आज से हम लोग अपनी गलती को सुधारेंगे। तुम लोगों ने बिना गलती के किट्टू को मारा, उसने कोई गलती नहीं की थी। मैं किट्टू को बिल्कुल नहीं समझ पाया, पर आज समझ गया हूँ, तुम लोग गलत हो। तुम लोग भी सुधर जाओ।
किट्टू कौन है यह पता चलने के बावजूद भी वो अगर वो जिंदा है तो हमारे लिए फांसी ही है। माइंड इट, मुझे किट्टू चाहिए। हमारे ऊपर जब बात आएगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कैसे भी हम किट्टू को ट्रैप करके तुम्हारे हवाले करेंगे। तुमने जैसा बोला था, मैंने सारे लोगों के आधार कार्ड कलेक्ट कर लिए हैं और सारे आधार कार्ड सही हैं, पर एक आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा, मुझे उसी पे डाउट है। वंदे मातरम भारत माता, ये कैसी ड्रेस है छोटू? फैंसी ड्रेस कंपटीशन। ए वेंकी, क्लू तो मिल गया, अब कहानी का क्लाइमेक्स बाकी है, चल। अब तक जो किया बहुत हो गया, पर अब नहीं हो रहा यार। देखो अब ये नहीं करते। अब तक हमने जो बातें की हैं वो आगे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जेल जाएंगे हम लोग। अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब किट्टू के हवाले कर देते हैं, ये फाइनल है, उसके बाद हम जिंदगी में कोई गलती नहीं करेंगे। पर किट्टू को पकड़ेंगे कैसे? वही मैं भी सोच रहा हूँ। रुकू को ट्रैप करें। गुड आइडिया यार। हाँ। हाँ। रुकू का फोन है। बोलो रुकू। मेरे पिताजी का खूनी मुझसे मिलने वाला है। हाँ? तुम क्या बात कर रही हो? मेरे पिता को जिसने मारा है वो सबूत के साथ मेरे पास आएगा, ऐसा कॉल पे कहा। तुम कहाँ हो इस वक्त? हाईटेक सिटी के पास हूँ। तुम वहीं रुको, हम लोग आ रहे हैं। देखा, जाल फेंकने से पहले मछली फंस गई। मतलब क्या है तेरा? समझ में नहीं आया, हमें नचाने वाला ही रुकमणी को ट्रैप किया है। किट्टू अब तू होगा फट्टू। यस यस, चलो बे। ए, यही सही टाइम है। सीसीटीवी कनेक्शन सब सही है क्या? देख लो, सारे अरेंजमेंट सही करो और सबको बुला लो। ओके ओके किट्टू। रुकू, जो तुमने फोन पे बताया वो सच है क्या? हाँ, किट्टू ने ही मेरे पिता को मारा है और वो सबूत के साथ उसे लेकर आएंगे, यहीं पे लेके आएंगे, कॉल पे बताया मुझे। बोला ना, हमें नचाने वाला। एक मिनट, आपने जैसा सोचा वैसा ही हो रहा है, रुकू हमारे जाल में फंस गई है। ए बेवकूफो, वो हमारे ट्रैप में नहीं फंसी, किट्टू के ट्रैप में हम फंस गए हैं। पहले उसको चेक करो, चेक करो। ए, पहले उसको चेक करो। ए, चुपचाप खड़ी रहे। ए! क्या कर रहे हो? दादा मुंह में चला, चला हमारे साथ, लेके चले इसको। छोड़ छोड़ मुझे। इस जगह के बारे में इसे कैसे पता चला? बॉयस, मुझे सब पता है। बहुत अच्छा मैच हुआ ना। चल चल। जय जय। अच्छा,
अजय अजय जय इधर क्या कर रहा है जय अजय तुम लोग कितने नीच कमीने और कुत्ते हो, ये मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था। उस अंकल ने मुझे देने के लिए कहा था। किस लिए नहीं बताया पता है? तुम लोगों को जो कमीना नचा रहा है ना, उसका वेट कर रहा हूँ मैं, समझे? अनन्या के अलावा और कितनों के साथ थू गंदे गंदे काम किए तुम लोगों ने। राघव जी के हथियारों को बाहर नहीं निकालोगे क्या? तुमने नहीं मारा? यस, तुम लोगों को भले ही नहीं पता हो लेकिन मुझे पता है किसने मारा है। ये बाबू है ना? ये तुम लोग शराब पी रहे हो? ये क्या, तुम लोग स्टूडेंट हो ना? फर्स्ट टाइम यार, प्लीज तुम किसी को मत बोलना। और मेरा टैब लेके तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? छी, गंदे वीडियोस देख रहे थे, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? प्लीज किसी को बोलना मत। ठीक है, किसी को नहीं बोलूंगी। आज के बाद ये सब छोड़ दोगे तुम लोग, प्रॉमिस करो? हाँ प्रॉमिस। बस ये एक गलती कर ले फिर कभी नहीं करेंगे। सॉरी अनन्या, नशे में हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें माफ कर दो प्लीज। तुम लोगों को माफ कर दे, तुम लोगों को माफ कर दे। प्लीज अंकल, प्लीज अंकल, प्लीज प्लीज माफ कर दो अंकल। गलती की? कैमरे से शूट नहीं किया, ये गलती की। अभी भी कुछ भी गलत नहीं हुआ है, अब मैं करूंगा और तुम लोग शूट करो। प्लीज अंकल ऐसा मत कीजिए, ये पाप है अंकल। प्लीज अंकल ऐसा मत कीजिए। तुमने जो किया वो पाप नहीं था, हमसे गलती हो गई। अब मैं करूंगा और तुम लोग शूट करोगे। शूट करो। नहीं अंकल, नहीं। agentsurya.com ओपन करूंगा, ये सारे वीडियो उसके अंदर अपलोड करूंगा, पैसे कमाऊंगा। और अगर तुम लोगों ने कोई भी चालाकी की तो तुम तीनों की कहानी मैं खत्म करूंगा, समझ गए ना? मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, हमारे खानदान की इज्जत बाजार में मत लाओ प्लीज। अरे ची ची ची, नहीं नहीं नहीं, देखो ना प्लीज। तुम्हें इतना सुख देने के बाद भी कितनी तकलीफ हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं। तू फोन निकाल, अब एक गेम खेलते हैं, आंख में चोली का, हाँ बड़ा मजा आएगा। तू फोन कर, ये फोन कहाँ पर है तुम्हें बताना होगा, ठीक है ना? अगर तुमने पकड़ लिया तो टैप तुम्हारा, वीडियो तुम्हारा, ओके ना? बाबू प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो बाबू। हमने ड्रग्स लिया, अनजाने में हमसे गलती हो गई, अब और कितना गलत काम करवाओगे? प्लीज माफ कर दो बाबू। नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम सब ऐसे ही ड्रग्स के नशे में रेप करते रहना और मैं agentsurya.com पे वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तुम लोगों के नाम पर लाखों लाखों रुपए कमाने में जाए, समझ रहे हो ना? ए बाबू, नहीं बाबू। तेरे पास काम नहीं था, दया खाकर वॉचमैन की नौकरी दी तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है तू। गलती हो गई साहब जी, गलती हो गई। हम तेरा अंकल माफ कर दूँ, गलती अंकल माफ कर दूँ। बाबू, बाबू।
देखा ना कैमरा, अगर मैं नहीं आता तो तुम लोग पकड़े जाते। हा? लड़की को मेरे हवाले जाओ। रुक्कू को मैंने चेक कर लिया और उसका फोन भी तोड़ दिया। तुमको चाहिए था किट्टू, रुक्कू को तुम हाथ मत लगाना। अच्छा जल्दी सुधर गए तुम लोग, सुधर गए क्या? हा? मेरे बिना पूछे। शाबाश, तुम तीनों को अगर छोड़ दिया तो कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी। मौत से लड़कर आया हूँ, ऐसे हार नहीं मानूंगा। तेरे जैसे की मार से मैं मरने वाला नहीं हूँ, समझा? अलियास दुर्गा प्रसाद। तुझे मेरा असली नाम कैसे पता? तेरा असली नाम दुर्गा प्रसाद है। तू सीतापुर नगर में काम करता था, तेरी वाइफ लेडीज हॉस्टल चला रही थी, वहाँ तू लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहा था। जब तेरी बीवी ने तेरे बारे में कंप्लेंट की तो तू वहाँ से भाग निकला। दुर्गा का नाम बदल कर यहाँ बाबू वॉचमैन के नाम से रहने लगा। ए, ये सब वैसे मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, ये सब तेरे आधार कार्ड के जरिए से पता चला है। राघव जी ने मरते वक्त जो दीवार पर निशान बनाया था वो संस्कृत में चार लिखे थे। चार नंबर देखने के बाद मुझे लगा कि चार लोगों ने खून किया होगा। जो तुझे पता नहीं था वो मुझे पता चल गया। वो चार नंबर नहीं था, वो तेरे गले का गमछा था जो तू पहनता है। पूरी कॉलोनी के अंदर अकेला सिर्फ तू ही गमछा पहनता है, क्यों? सही कहा ना? सही कहा, सब कुछ मैंने किया। अब क्या उखाड़ लेगा तू? तू यहाँ से बाहर जा पाएगा तब तो पता चलेगा ना दुनिया को। अरे जाने से पहले ही सब कुछ पता चल गया है। लॉजिक के बिना मैजिक की बात मत कर, ये तेरा प्लेस नहीं मेरा प्लेस है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, तेरा फोन भी नहीं है। अच्छा, हीरो विलन की जगह पे कैमरा फिक्स करके उसे रिवील करे ये कॉमन है। विलन के सामने कैमरा लगा कर उसका पर्दा फाश करना ये नया स्टाइल है। समझा नहीं ना? This is a spy cam. Bluetooth द्वारा रुक्मणी का फोन कनेक्ट किया गया है। तुम्हारी सारी असलियत सामने आ गई है। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना। टेक्नोलॉजी को टेक्निक सिखाने वाला टेरिफिक फेलो हूं मैं। असल में कौन है रे तू? श्री कृष्ण को तुमने एनटीआर के रूप में देखा होगा और यमराज को तुमने किसी विलन के रूप में देखा होगा। अगर वही मृत्यु किसी इंसान के रूप में आए तो वो मेरे जैसा दिखेगा। और मरने से पहले मैं तुम्हें अपना परिचय क्यों दे रहा हूं रे? ये रॉड से मारूंगा तो तेरा सर फूट जाएगा, और अगर इस हाथ से मारूंगा तो तेरा सर घूमने लग जाएगा और तू अपनी जिंदगी पर रोने लग जाएगा कि तू पैदा ही क्यों हुआ, समझा? मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी आत्मा भी कांप उठेगी। गिर जाएंगे हम लोग।
इसके लेफ्ट पैर में गोली लगी है। पैर में मारूंगा तो चल नहीं पाएगा। इसका लेफ्ट हाथ भी बराबर काम नहीं करता। इसके गले पे मारकर इसकी सांस रोक देता हूं। किट्टू, ऊपर खींचो हमें, खींचो यार, नहीं किट्टू, ए भाई, बचाओ, बचा, रुको, इनको मत बचाओ। मरने दो, बहुत पाप किए हैं इन्होंने। छी, इनको तो उल्टा लटका देना चाहिए। इन्हें क्यों मारना चाहिए? इन लोगों ने जो गलती की है इसकी सजा इनको बिल्कुल मिलनी चाहिए। मारो इन्हें। इन लोगों ने जो गलती की है उससे बड़ी गलती आप लोगों ने की है। हमने क्या किया? वो लोग अच्छी जिंदगी जिए इसलिए हर चीज उन्हें दी। स्मार्टफोन खरीद करके दिए कि हाथ में लेकर पूरी दुनिया पढ़ेंगे, यही सोचा था। कंप्यूटर खरीदा कि जिंदगी में तेज भागेंगे। इंटरनेट दिया ताकि वो दुनिया को देख सके। इस तरह से चैटिंग करके चीटिंग करेंगे, ऐसा नहीं सोचा था हमने सर। तुम्हारे बेटे जब कॉलेज में जाते हैं तो तुम उन्हें बाइक और कंप्यूटर सब खरीद के देते हो, सही कहा ना? वो कंप्यूटर से वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, कभी एक बार भी तुम लोगों ने उनसे पूछ कर देखा है? बाजू वाले ने अगर अपने बेटे को स्मार्टफोन खरीद के दिया है तो तुम लोग भी अपने बेटे को आईफोन खरीद के दोगे। वो उस फोन पे कितने लोगों से चैटिंग कर रहा है, कितने लोगों से बात कर रहा है, ये सब की परवाह नहीं है तुम लोगों को? 500 रुपए पॉकेट मनी के बदले 5000 रुपए पॉकेट मनी देते हो। मेहनत क्या होती है ये तो पता ही नहीं चलने देते तुम उन्हें। उनकी लाइफस्टाइल इतनी आसान कर देते हो, जो मांगते हो वो दे देते हो। चैटिंग है, मीटिंग है, डेटिंग है, किस वजह से चल रही है, किसके साथ चल रही है, एक बार भी पूछते हो कभी? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है इंटरनेट। इंसान से इंसान का रिश्ता कौन खत्म कर रहा है? जानते भी हो कौन खत्म कर रहा है? ये इंटरनेट। जो भी इसमें फंस गया ना, वहां से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और हर कोई बनना चाहता है वेब स्टार। फेसबुक यूज करने वाली बेचारी अनन्या, उसने लाखों लोगों की इंटरनेट के जरिए मदद की, और उसी इंटरनेट पे गंदी चीजें देखकर तुम लोगों ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। अलग अलग नामों से इंटरनेट पे आईडीज बनाकर फेसबुक पर भी माँ बेटे चैटिंग करते करते मर गए। छे छे, इससे ज्यादा गंदा और क्या हो सकता है बताओ? फिल्म पर एक सेंसर है, टीवी पर एक मर्यादा है, लेकिन इंटरनेट पे कोई सेंसर नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? भारत देश में आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाने के लिए सारे प्रूफ लगते हैं, लेकिन इंटरनेट आईडी बनाने के लिए प्रूफ क्यों नहीं? यानी ईमेल आईडी बनाने के लिए, फेसबुक आईडी बनाने के लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? एक अमेरिकन सर्वर से करोड़ों लोगों में से करीब 10 लाख लोग इंटरनेट के जरिए पागल हो रहे हैं, मर रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। चाइना के लोग यूज करते हैं? नहीं नहीं नहीं, एक दिन में 3000 वेबसाइट उन लोगों ने ब्लॉक करके रख दी। WWW वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, उस पर तुम लोगों ने क्या कर दिया? कितनी सारी लड़कियों की तुम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दी। अभी भी तुम्हारे बच्चों को इंटरनेट के साथ रिलेशन नहीं, बल्कि इंसानों के साथ रिलेशन और अपने घर वालों के साथ रिलेशन बनाना सिखाओ। ये तुम सबके लिए एक सबक है। इंटरनेट से रिश्ता कैसे जोड़ना है ये सिखा दिया, लेकिन इंसानों के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है ये अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे? नेट का सही इस्तेमाल करके दुनिया में कितने लोग स्टार बन रहे हैं। इंटरनेट के प्यार के गुलाम नहीं, असल जिंदगी के प्यार के गुलाम बनाओ। तुम्हारे बच्चों को इंटरनेट का किस तरह से इस्तेमाल करना है ये बात उन्हें प्यार से सिखाओ, ताकि वो भी अपने सपने पूरे कर सके। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अनन्या के स्टार्ट किए हुए लिव एंड लेट लिव फाउंडेशन में सभी देशों से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। यस, ऐसा ही होता रहा तो आई थिंक कोई भी इंसान दुनिया में अनपढ़ नहीं रहेगा। अनन्या को तो हम बचा नहीं पाए, पर हम उसके सपनों को जरूर जिंदा रखेंगे। यस, हैट्स ऑफ अनन्या। एक्सक्यूज मी सर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन को US गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिल रहा है सर। किसी ब्रिटिश ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को $1 बिलियन डोनेट किया है। हमें यहाँ के प्रेसिडेंट ने इनवाइट भी किया है। गुड जॉब। इंटरनेट को अच्छी तरह से इस्तेमाल करो,
स्वच्छ भारत को सभी लोग स्वीकार करो, सबके साथ प्रेम के साथ रहो। मैं संपूर्णेश बाबू, जय हिंद।